हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजिकल स्टाइल। वेल, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही क्विक एंड इजी मेकअप लुक। ये वाला जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कंसिडर करके ये वाला मेकअप लुक बनाया है। सबसे पहले चीज़ें, जो मेकअप प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे वो अफोर्डेबल रेंज का होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अफोर्डेबल रेंज इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर हमारी खुद की अर्निंग नहीं होती, हमें जो इन्वेस्ट करना होता है खुद की पॉकेट मनी के हिसाब से यूज़ करना होता है, करेक्ट। दूसरी तरफ से वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि इसी एज में हमारा जो स्किन वो बहुत डेलिकेट होता है, स्किन बिल्डअप होने का टाइम होता है, तो इधर उधर का चीज़ें हम नहीं लगा सकते। तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। एट द सेम टाइम जो लेयर्स एंड लेयर्स हम मेकअप यूज़ नहीं कर सकते कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। ये सारे चीज़ों को ना पकड़ पकड़ के कुछ सोल्यूशन है निकाला है मैंने और बनाया है ये वाला मेकअप लुक। अगर आप इस लुक में इंटरेस्टेड हो तो कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पास में एक बेल बटन होगा उसको भी हिट कर देना ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर कर देना आगे जाके ये वाला वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। इसको पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करके मैं प्रॉपरली इसको मसाज एक दे दूँगी, अपने फेस को अच्छी तरीके से प्रेप कर दूँगी मेकअप को लगाने से पहले। अभी बारी है लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने की। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने लिया है मेबेलिन का बेबी लिप्स। ये मेरे लिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अभी अप्लाई करना है फेस में प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एलोवेरा जेल फ्रॉम द ब्रांड वाओ। अगर इसको आपने ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छे से स्किन पे एज अ प्राइमर काम देता है। बस थोड़ा सा ही अमाउंट हमें लेके अपने पोर्स जहाँ पे होते हैं उस पे यू लगाना है। एक तो ये पोर्स को ब्लर आउट करने में मदद करता है, दूसरा अपने स्किन में फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग या फिर जो बेस मेकअप होता है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में ये मदद करता है। एट द सेम टाइम स्किन के लिए ये एक लेयर जैसा काम करता है। नेक्स्ट स्टेप है अपने फेस को कवरेज देना। कवरेज देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। पॉन्ड्स का बीबी क्रीम बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और एक अच्छा ब्रांड है, इसीलिए स्किन में ये हार्म नहीं करेगा। डॉट डॉट मोशन में अप्लाई करने के बाद एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से मैं इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आपको खींचने जैसा, मतलब स्प्रेड आउट नहीं करना है, डैप डैप करके इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। अपने नेक एरिया एंड जो अंडर आई एरिया को फिर से मैं थोड़ा और बीबी क्रीम लेके उसको हाईलाइट करने के लिए या फिर जो डार्क सर्कल है उसको छुपाने के लिए मैं और थोड़ा बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और उसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन फिट मी के तरफ से कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मैं वही डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज के मदद से थोड़ा सा ले रही हूँ और जो माउथ के एरिया है और जो अंडर आई एरिया है उसको ज़्यादा फोकस करके उस पर पहले अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद पूरे फेस में स्प्रेड आउट करना है जो कॉम्पैक्ट है। अब बारी आती है आईब्रोज़ को फिल इन करने की। आईब्रोज़ के लिए मैंने लिया है एडीज़ का आईब्रो पेंसिल। अगर आपके पास कोई दूसरा आईब्रो पेंसिल है उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाला आईब्रो पेंसिल मेरे आईब्रोज़ के लिए बहुत परफेक्टली मैच करता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अभी बढ़ते हैं आईलाइनर की तरफ। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोल काजल फ्रॉम द ब्रांड स्टे क्वर्की का बैड आस काजल। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्रीमी है, जेट ब्लैक है, आईज़ में बहुत टाइम तक टिके रहता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए इजीली ये अच्छी तरीके से बहुत क्विकली अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाले ट्यूटोरियल पे ये काजल अप्लाई किया है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की ये बैड आस का बुलेट लिपस्टिक। इसका जो शेड है वो डाल दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना उसको। ये थोड़ा मुझे वार्म अप लग रहा था, वार्म कलर लग रहा था इसको, इसीलिए टोन डाउन करने के लिए मैंने इन कलर का जो न्यूट रेंज का लिप लाइनर है उसको मैंने इसमें अप्लाई किया, तो वो थोड़ा मूवीज काइंड ऑफ कलर आ गया और थोड़ा कॉलेज लुक मुझे प्रॉपरली दिया। ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है एलिएटिन का लिपस्टिक इन द शेड P21। ये है पिंक किस शेड का।
बहुत ही प्यारा शेड है इसको। अगर आप आज ब्लश यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है अपनी स्किन में। अगर आप कोई भी ब्लश यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आराम से ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। अपने आईज़ को और थोड़ा ओपन अप एंड ब्राइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन की तरफ से द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये वाटरप्रूफ वर्सन मेरे पास है, इसको मैंने अप्लाई किया है। इसको यूज़ करने से आईज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखने लगता है। और अगर आप नींद में भी उठ के जाते हो ना, आपको कोई नहीं कि कोई भी आपको बता नहीं सकता है कि आप अभी उठ के आए हो। एंड नाउ टू कंप्लीट दिस लुक मैंने यहाँ पे बनाया है एक सिंपल सा हेयर स्टाइल। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दो टिकटॉक क्लिप यूज़ करके मैंने ये वाला सिंपल हेयर स्टाइल बनाया है और ये कंप्लीट मेकअप लुक बन गया है आपके लिए। दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ, कजिन के साथ, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन होगा उसको भी हिट कर देना ताकि आने वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।